कि आप ये अहंकार से चलते रहिए, ऐसे अभिभाषण उनके मुंह से बुलवाते रहिए और आने वाले समय में 240 से 40 के लिए आप तैयार रहिए। और ये बताया है कि भगवान का अवतार भी अपनी माँ के नाम से भगवान माना जाता है। आकर नॉन बायोलॉजिकल को एक सबक सिखाया है, उसे ये कुछ सबक सीखेंगे। लेकर नासिक तक भारतीय जनता पार्टी को हराया है, तो मैं भाषण में से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि केंद्र सरकार ने किसी तरीके की सबक सीखी है। केंद्र प्रियंका जी आप सर, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। समय कम है और समय मुझे कम दिया गया है, तो मैं बस यही कहूंगी, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ वो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला अभिभाषण था, तो मैं कहूंगी जो जनता ने लोकसभा से एक बड़ा संदेश भेजा है वो सराहनीय है और हमारी प्रजातंत्र की एक बड़ी जीत दिखाता है। सर, एक और संदेश ये चुनाव ने भेजा है, भगवान श्री राम कौशल्या पुत्र भी माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र भी कहे जाते हैं। वो कौशल्या पुत्र और देवकी पुत्र ने मिलकर एक संदेश भेजा है और नॉन बायोलॉजिकल जो कहते हैं अपने आप को, उनको एक फर्क दिखाया है और ये बताया है कि भगवान का अवतार भी अपनी माँ के नाम से भगवान माना जाता है। तो ये सबक जो सिखाया, मैं सारी देश की जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगी, वो सारे बायोलॉजिकल वोटर्स जिन्होंने आकर नॉन बायोलॉजिकल को एक सबक सिखाया है, उसे ये कुछ सबक सीखेंगे। और यही कौशल्य पुत्र और देवकी पुत्र ने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, अयोध्या से लेकर नासिक तक भारतीय जनता पार्टी को हराया है, तो मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। एक और चीज इस इलेक्शन ने हमें संदेश दिया है, देश की जनता को दिया है, कि जो अहंकार से चलेगा उसको अहंकार ही खत्म करेगा। और ये जनता का अहंकार था, जनता का मत था, जिन्होंने आज विपक्ष को भी मजबूती से अपने बात रखने का मौका दिया है। पर अभिभाषण में से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि केंद्र सरकार ने किसी तरीके की सबक सीखी है। केंद्र सरकार ने ये समझा होगा कि जो बायोलॉजिकली बॉर्न होते हैं वो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो बायोलॉजिकली बॉर्न होते हैं वो नीट की जो पेपर लीक हो रहे हैं, और करीब 41 पेपर लीक हुए हैं इतने सालों में, उसके ऊपर उनको दर्द होता है। ये बायोलॉजिकली बॉर्न जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं, ये बायोलॉजिकली बॉर्न जो हैं वो महिलाएं जो सम्मान ढूंढती हैं, उम्मीद करती हैं कि सम्मान उनको दिया जाएगा, ये जो बायोलॉजिकली बॉर्न हैं युवा हैं हमारे, वो अग्निवीर जैसी जो पॉलिसी लाई जाती हैं उससे जूझ रहे हैं, उसका शिकार हैं। जो बायोलॉजिकली बॉर्न हमारे किसान हैं वो भी त्रस्त हैं, पर उनके अभिभाषण में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से जो दिखाता है कि कोर्स करेक्शन होने वाला है। तो मैं तो बस यही कहूंगी सर, बस रैप अप ही कर रही हूं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। मैं बस यही कहूंगी कि आप ये अहंकार से चलते रहिए, ऐसे अभिभाषण उनके मुंह से बुलवाते रहिए और आने वाले समय में 240 से 40 के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय हिंद सर।